किसी भी चिलर सिस्टम में, एचवीएसी सिस्टम में, या किसी भी एयर कंडीशनर में, एसी में, पैकेज एसी में, किसी भी तरह का एसी हो, अगर उसके अंदर आपका प्रॉब्लम अगर आ रहा है हाई डिस्चार्ज प्रेशर, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये प्रॉपर सॉल्यूशन आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे, कैसे हम लोग ट्रबल शूटिंग करेंगे, कैसे हम लोग इसको पहचानेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, और अगर अलार्म आया, कुछ भी आया, तो उसको रिसेट कैसे करेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो आप लोग लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इसकी जरूरत हो। दोस्तों मैं आपको शुरू करता हूँ बताना, जैसा कि आप जानते हैं स्प्लिट एसी, पैकेज एसी, आपको और बता दूं चिलर, चिलर प्लांट, चिलर सिस्टम, वाटर कूल चिलर, एयर कूल चिलर, कोई सा भी सिस्टम हो आपका एचवीएसी या चिलर सिस्टम, अगर उसके अंदर हाई डिस्चार्ज प्रेशर आ रहा है, तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे चेक करेंगे और कैसे ठीक करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है हमने, सबसे पहला स्टेप हम लोगों को करना है कि जाके पहले यूनिट को देखना है। अगर आपका डिस्प्ले है, आपके चिलर में डिस्प्ले है, एचवीएसी सिस्टम में अगर डिस्प्ले है, तो सबसे पहले हम लोगों को जाके देखना है कि कौन सा अलार्म आ रहा है। हाई डिस्चार्ज का भी छोटे यूनिटों में, डीएक्स यूनिट वगैरह में, एचपीएलपी का अलार्म आता है, उसमें भी कई बार लो प्रेशर से ट्रिप होता है, कई बार हाई प्रेशर से ट्रिप होता है। हमारे चिलर में कई बार डिस्प्ले में शो कर देता है कि ये हाई प्रेशर से ट्रिप है या लो प्रेशर से ट्रिप है। तो हाई प्रेशर का रीजन सबसे पहले कैसे चेक करेंगे, अगर डिस्प्ले लगा हुआ है तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसका प्रेशर वहां से चेक करेंगे कितना प्रेशर चल रहा है। कई बार सेंसर हमारे खराब होते हैं, ट्रांसड्यूसर खराब होते हैं, जो हमारे हाई प्रेशर स्विच होता है वो खराब होता है, उसकी वजह से भी है ट्रिप हो जाता है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि हो सकता है हाई प्रेशर से ट्रिप हो रहा है। तो इसमें बहुत सारे सेफ्टी जो स्विचेस होते हैं उस पर भी डाउट होता है, तो सबसे पहले हम लोगों को जाके इसको देखना है कि आखिर ट्रिप क्यों कर रहा है, वो सेफ्टी डिवाइस तो खराब नहीं है, कोई हाई प्रेशर स्विच खराब तो नहीं है, या कोई ट्रांसड्यूसर खराब तो नहीं है। ये हम लोग कैसे चेक करेंगे कि उसमें मैनुअली हम लोग गेज लगाएंगे और मैनुअली उसका डिस्चार्ज प्रेशर चेक करेंगे स्टार्ट करके कि हाई डिस्चार्ज प्रेशर क्यों आ रहा है। तो मैनुअली में हम लोगों को ये मालूम चलेगा कि इसमें एक्चुअल में कितना हाई डिस्चार्ज, कितना डिस्चार्ज का प्रेशर जा रहा है। अगर R22 गैस है तो 350 प्रेशर अगर जा रहा है, 400 प्रेशर अगर आपको जा रहा है, तो आपको दिखाई देगा वो गेज में कि हाँ इतना जा रहा है। अगर R134A गैस है तो उसमें आप लोग जानते हैं 250 जा रहा है, 300 जा रहा है, वो पता लगेगा आप लोगों को। तो अगर रियल में आपका डिस्चार्ज प्रेशर ज़्यादा जा रहा है, अगर आपका किसी सेफ्टी डिवाइस से है, तो फिर आप लोग ट्रांसड्यूसर या हाई प्रेशर स्विच जो भी है वो आप लोग चेंज कर सकते हैं, ये कंट्रोल का काम है, तो ये भी इजिली हो जाएगा। और अगर कई बार पीसीबी खराब होगा तो उधर से भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, उसमें गलत एरर दे सकता है, गलत अलार्म दे सकता है, तो उसको हम लोग चेक कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम होगी तो उसको रिपेयर करा सकते हैं। और अगर रियल में हाई डिस्चार्ज प्रेशर जा रहा है, तब हमको कौन कौन से स्टेप लेने हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, कंडेंसर फैन मोटर, किसी भी चिलर सिस्टम का, प्लांट का, किसी भी एसी का, सबसे पहले देखना है कंडेंसर फैन मोटर, कंडेंसर फैन मोटर चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सबसे पहले हम लोगों को कन्फर्म करना है। अगर कंडेंसर फैन मोटर नहीं चलेगा या खराब होगा, किसी किसी में चार कंडेंसर फैन मोटर लगे हुए हैं जिसको CFM बोलते हैं, CFM का फुल फॉर्म होता है कंडेंसर फैन मोटर, किसी में चार लगे हुए हैं तो उसमें दो चलना है, दो नहीं चलना है, किसी में एक लगे हुए हैं तो वो भी एक नहीं चल रहे हैं, किसी में चार लगा हुआ तो तीन चल रहा है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले हम लोगों को कंडेंसर फैन मोटर चेक करना है, अगर कंडेंसर फैन मोटर खराब है या बैरिंग खराब है या साउंड आ रहा है या ट्रिप कर जा रहा है, या उसके कंट्रोल भी चेक करने हैं हम लोगों को, कंडेंसर फैन मोटर के जो कॉन्टेक्टर्स हैं उसको भी चेक करना है, कॉन्टेक्टर सही है या नहीं है, ओवरलोड ट्रिप है क्या, वहां से भी मालूम चल जाता है। तो हम लोगों को ये कंट्रोल भी उसका चेक करना है, कंडेंसर फैन मोटर चेक करना है, कंडेंसर फैन मोटर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। मान लीजिए अगर कंडेंसर फैन मोटर नहीं चल रहा है तो उसका रीजन चेक करेंगे, इसका वाइंडिंग आउट है क्या है, वो रीजन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसका अगर वाइंडिंग खराब हो गया तो वाइंडिंग रिपेयर कर लिए भेज देंगे, वाइंडिंग ग्राउंड है या कुछ भी है, तो अगर उसका ओवरलोड खराब है तो ओवरलोड चेंज कर देंगे, अगर उसका कॉन्ट्रेक्टर खराब है तो कॉन्ट्रेक्टर चेंज कर देंगे। लेकिन अगर कंडेंसर फैन मोटर सही है तो फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, कंडेंसर की जो कंडीशन है वो चेक करेंगे। आप लोग जानते हैं चिलर सिस्टम में या एचवीसी सिस्टम में दो तरह के कंडेंसर आते हैं, एक माइक्रो चैनल आता है और दूसरा हमारा फिन्स्ट, ये हमारा कॉपर का कंडेंसर आता है।
तो दोनों कंडेंसर जो होते हैं ज्यादा अच्छा हम लोग समझते हैं कॉपर ट्यूब वाले को जो ज्यादा अच्छा होता है, दूसरा होता है एल्युमिनियम वाला। तो कंडेंसर की कंडीशन हम लोगों को चेक करनी है, खराब है, गंदा है, फिन्स दबा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। अगर फिन्स उसकी ज्यादा खराब हो गई होगी तो भी एयर सर्कुलेट नहीं होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा। कंडेंसेशन मैंने आप लोगों को कई बताया, कई बार बताया है, रेफ्रिजरेशन साइकिल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। कंडेंसेशन होना किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में बहुत ही जरूरी है। तो कंडेंसेशन नहीं होगा तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो कंडेंसर हम लोगों को प्रॉपरली चेक करना है कि कंडेंसर कहीं से ब्लॉक तो नहीं है। ब्लॉक कई तरह के हो सकते हैं, एक तो कंडेंसर इंटरनली ब्लॉक हो सकता है या एक्सटर्नली ब्लॉक हो सकता है। तो हम लोगों को क्या करना है कि दोनों चेक करना है। इंटरनली कैसे चेक करेंगे, वो गेज से मालूम चल जाएगा कि प्रेशर बढ़ रहा है घट रहा है, वो भी मालूम चल जाएगा। और जो एक्सटर्नली है वो देखेंगे ज्यादा डर्ट है, मतलब उसमें गंदगी ज्यादा है वो है, तो उसके लिए सोल्यूशन है हमारे पास, उसको अच्छे से वॉश कर देंगे तो उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और अगर फिन्स दबे हुए हैं तो उसको हम लोग को सीधा करना पड़ेगा, और अगर ज्यादा ही खराब है तो चेंज करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि अगर उसमें ब्लॉकेज है कुछ है, तो उसके लिए हम लोग नाइट्रोजन से फ्लशिंग करेंगे, 141B जो गैस आता है फ्लशिंग के लिए वो यूज करेंगे तो उससे भी हो जाएगा। जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या देखना है, वो ये देखना है फिल्टर ब्लॉकेज। कई बार हम लोग, आप लोग जानते हैं कि ड्रायर फिल्टर अगर ब्लॉक रहेगा तो भी हाई डिस्चार्ज प्रेशर जाता है। तो हाई डिस्चार्ज प्रेशर ड्रायर फिल्टर से जाता है, फिल्टर ड्रायर जिसको बोलते हैं, अगर वो ब्लॉक हो जाएगा तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। उसको कैसे पहचानेंगे, तो जो हमारा लिक्विड लाइन होता है कंडेंसर के बाद वाला पाइप, उसको पकड़ेंगे वो कितना गर्म है, और फिल्टर के बाद वाले पाइप को पकड़ेंगे वो कितना गर्म है। अगर दोनों सेम गर्म है तो फिल्टर सही है, अगर थोड़ा ठंडा है वो तो फिल्टर इसका मतलब ब्लॉक हो रहा है या हो गया, या उस पर ज्यादा ठंडा होगा तो ब्लॉक हो गया। तो इस तरीके से हम लोग उसको पहचान लेंगे फिल्टर ये ब्लॉक है या नहीं है, और गेज में देखेंगे उससे भी मालूम चलेगा। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, तो उसमें क्या है, एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व आप लोग जानते हैं, इसको कैपिलरी ट्यूब भी बोला जाता है, जो छोटे एसीयू में होता है, स्प्लिट एसी वगैरह में, डीएक्स वगैरह में, और कई सारे में, और छोटे छोटे दूसरे ओरिफेस वगैरह भी आते हैं। तो हाई डिस्चार्ज जब प्रेशर होगा तो ये ब्लॉकेज वाले में दो चीजें होंगी, जो हाई डिस्चार्ज प्रेशर है वो तो डिफरेंट है, लेकिन जो ब्लॉकेज जो मैं अभी बता रहा हूँ इंटरनल ब्लॉकेज, वो कई जगह से हो सकता है। कंडेंसर का इंटरनल ब्लॉकेज ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया, दूसरा बताया ड्रायर फिल्टर ब्लॉकेज, ये सब इंटरनल आ रहे हैं पार्ट्स है इसके। और जो तीसरा है वो क्या है कि अगर आपका एक्सपेंशन वाल्व खराब हो गया या उसके बेलो खराब हो गए, जो TXV होता है, जो थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, या EXV बोलते हैं, या EEV बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व, अगर वो खराब होगा तो भी हाई डिस्चार्ज प्रेशर और लो सक्शन प्रेशर पे ट्रिप मारेगा। क्योंकि वो जब डिवाइस आपका नहीं चलेगा, मेट्रिक डिवाइस नहीं चलेगा, तो क्या होगा, लिक्विड लाइन में जाके प्रेशर ज्यादा होगा और प्रेशर डिस्चार्ज का बढ़ेगा और सक्शन का कम हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर, फिर कंप्रेसर को गैस नहीं मिलेगा ताकि वो गैस को कंप्रेस कर सके। तो उसके लिए सॉल्यूशन ये है कि अगर थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व है तो आप लोग इजिली उसको चेक कर सकते हैं, गर्म पानी में डालेंगे उसके बैलों को, निकालेंगे तो मालूम चलेगा चल रहा है या नहीं चल रहा है। आप लोग चाहे तो उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व है तो आप लोग उसको क्लैंप मीटर से जो मोटर की वाइंडिंग है उसको आप लोग चेक कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं है। वो स्टेप मोटर उसके अंदर लगा हुआ होता है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व के अंदर, और कैपिलरी वगैरह है तो वो भी आप लोगों को इजिली मालूम चल जाएगा, क्योंकि प्रेशर से मालूम चल जाता है। इन सारी प्रॉब्लम की वजह से हाई डिस्चार्ज प्रेशर का इशू आता है। अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो जरूर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इसकी ज़रूरत हो, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, चाहे वो फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, कहीं भी आप लोग चाहें तो मेरे वीडियो को वायरल करते रहें। इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि मुझे खुशी मिले और आप लोगों के लिए मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।